नमस्कार एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है मैं हुमान सिंह वायदा बाजार के एबीसीडी में फ्यूचर एंड ऑप्शन की क्लास चल रही है और इस क्लास में हमारा साथ निभा रहे हैं Editor, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी अनिल जी ऑप्शंस में अगर ऑप्शंस खरीदने हैं तो क्या करना है वो तो समझे हम ऑप्शन बेचने हैं तो फिर क्या करना है आपने बताया लेकिन तो था? लेकिन वो उतना नहीं नहीं थोड़ा और डिटेल में जानना था आपने बोला की अनलिमिटेड रिस्क तो फिर वो अनलिमिटेड रिस्क मतलब क्या है कितना अच्छा हाँ ये बढ़िया सवाल पूछा आपने समझिए आपके पास एक शेयर है जिसका दाम है सौ रुपए ओके हाँ जी अगर आप वो शेयर खरीदते हैं तो कितनी रिस्क है आपकी मैक्सिमम रिस्क कितनी सौ रुपए जीरो हो जाएगा कंपनी बंद हो जाएगी हाँ तो सौ रूपये वर्ष कैसे नहीं हालांकि आप ये सोच के नहीं लेते कि जो आप वो ऐसा शेयर लेंगे क्योंकि हाँ, अगर मैंने लिया है तो सौ से कुछ भी ऊपर अगर वो मेरा हाँ, मुनाफा है लेकिन अगर जितना भी नीचे हाँ, जाए और हाँ, कितना ही जा सकता हाँ, है हाँ, लेकिन आमतौर पर दस बीस पच्चीस परसेंट गिर जाए पचास परसेंट गिर जाए जीरो तो नहीं होता फिर भी फिर भी सौ रुपये का शेयर गिर गिर के कितना हो सकता है कंपनी बंद हो जाए तो नुकसान आपका सौ रुपये का है ठीक है सौ रुपये का शेयर आप बेच देते हो शॉर्ट कर देते हो आपके पास शेयर नहीं रहा आपने शॉर्ट किया फ्यूचर्स में तो रिस्क कितनी मेरे पास शेयर नहीं और शॉर्ट किया है तभी, तभी फ्यूचर तो स... में तो शॉर्ट करते ही है ना तो तब भी इसके पास है वो वो एक कैश में तो बेचा अलग बात है लेकिन फ्यूचर तो इसीलिए कि आप शॉर्ट कर सकते हो नहीं है शेयर फिर भी तो शॉर्ट करने में रिस्क कितनी है सौ रूपए सौ रूपए के स्टॉक में जब आप खरीदते हो तो रिस्क सौ रूपये की क्योंकि क्यूँकी वो जीरो हो सकता है जब बेचते हो जब बेचते हो तो रिस्क सौ रूपये की कैसे हुई मानसी जी अनलिमिटेड Exactly. एग्जेक्टली क्योंकि सौ रूपये का शेयर दो सौ हो सकता है पांच सौ हो सकता है हजार हो सकता है पांच हजार हो सकता है हर वो कंपनी कोई एम आर एफ जो आज अस्सी हजार रूपए पे है जी। वो दस रूपये से तो इशू लाई थी एग्जाम्पल के लिए इशू कोई टीसीएस कोई इन्फोसिस अपनी फेस वैल्यू है थोड़ा बहुत प्रीमियम पे लाए होंगे दस बीस पचास सौ रुपए का इशू प्राइस आज उनके भाव हजारों में जी तो इसका मतलब क्या तो मतलब खरीदना आसान है बेचना मुश्किल है <laughs> ये मैं तो समझ रही। <laughs> इतना जल्दी मतलब ना निकाले सिंपल है सिंपल यह है कि जब आप बेचते हैं मंदी की पोजिशन बनाते तो इसका इज इस द लिमिट शेर का भाव कभी भी कहीं भी जा सकता है वो एक दिन में नहीं जाएगा एक महीने में नहीं जाएगा लेकिन जा तो सकता है ना जी। क्योंकि आप ये थोड़ी कह सकते ये शेयर यहीं जाके रुक जाएगा इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप बेचते हैं शॉर्ट पोजिशन बनाते तो आपकी जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो जाती है फ्यूचर्स के केस में मतलब मुनाफा आसमान में छू सकता है या फिर जमीन पर भी आ सकता है हाँ मैं इसलिए बार बार कहता हूं कई बार लोग मुझे बोलते ना कि बाजार में कितनी तेजी है इतना तो गिर गया ये है। तो मैं एक ही सवाल पूछता हूं चलिए ग्यारह हजार का निफ्टी आपको बड़ा डर लगता है कितना हो जाएगा गिर गिर के दस हजार नौ हजार आठ हजार सात हजार जीरो तो नहीं हो जाएगा जी नहीं चलिए ग्यारह हजार वाला सात हजार निफ्टी हो गया चालीस पचास परसेंट गिर भी गया बढ़ कितना सकता, मुझे बताओ। तो सकता है, है, तो है। वक्त लगेगा ना दस साल पंद्रह साल बीस साल पच्चीस साल तो जब मुझे पता है कि रिस्क नीचे गिरने की पांच हजार बढ़ने की पच्चीस हजार की फिर मैं इतना परेशान सर वो तो इन्वेस्टर पे भी डिपेंड करता है कुछ एग्रेसिव होता है और कुछ इसी तरह से आप जब फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आपको यह समझना है कि जब आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हो किसी चीज में तो आपके रिस्क कितनी आपको समझ में आना चाहिए अब आइए आपके ऑप्शन में अनलिमिटेड रिस्क वाला मामला मैं आपको समझा ऑप्शन में आपने कॉल ऑप्शन खरीदा तेजी की कॉल ऑप्शन की तेजी में आपकी रिस्क कितनी है उतनी ही जितनी आपने प्रीमियम दी क्लियर हाँ। है अब सामने किसी ने कॉल ऑप्शन बेचा है हाँ। उसने मंदी की पोजिशन बनाई उसकी रिस्क अनलिमिटेड है क्योंकि yes. तो अगर आपको स्टॉक बेच रहे हो कोई निफ्टी बेच रहे हो वो कितना भी जा सकता है ऊपर करेक्ट जी तो जो कॉल ऑप्शन का सेलर है उसके रिस्क अनलिमिटेड है अब आइए पुट ऑप्शन में आपने पुट ऑप्शन खरीदा है हुँ. इसका मतलब क्या है कि आपने मंदी की पोजिशन बनाई हाँ. आपके रिस्क कितनी है कि खरीदा है तो जितना जितनी प्रीमियम दी है पुट ऑप्शन हाँ. की जब आपने पुट ऑप्शन बेचा है पुट ऑप्शन बेचा मतलब आपने क्या किया है राइट टू सेल को सेल किया है हाँ मतलब आपने तेजी की पोजीशन बनाई पुट ऑप्शन भेजा तो तेजी की पोजीशन में रिस्क कितनी है अनलिमिटेड जीरो स्टॉक जितना जीरो हो सकता है सौ हाँ. रूपये से ज्यादा नहीं है सौ रूपए का शेयर तो यहाँ पे देखिए फर्क है कॉल राइटर में और पुट राइटर में फर्क है ये वापस वो पिछली क्लास जैसा ही मामला हाँ, हो, तो हो गया अब, कि... अब, अब वापस इधर ध्यान मेरी तरफ दीजिए और सुनिए जब आप कॉल ऑप्शन भेजती हैं आपकी रिस्क अनलिमिटेड हो जाती है क्योंकि वो स्टॉक आप शॉर्ट कर रहे हैं और शॉर्ट वाला स्टॉक कहीं भी कितना भी ऊपर जा सकता है जब आप पुट ऑप्शन बेचते हैं आप तेजी कर रहे हैं हाँ। और तेजी की पोजीशन में आपके रिस्क शेयर की प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकती भाई आपने ग्यारह हजार रुपए की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बेचा निफ्टी का हाँ। निफ्टी जीरो ही हो जाएगा नाफ्टी तो ग्यारह हजार से ज्यादा की रिस्क नहीं है ना राइट तो ये फर्क है एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर अनलिमिटेड रिस्क होती है और वह कॉल ऑप्शन में बिकवाली कॉल ऑप्शन में बिकवाली हाँ। बाकी में रिस्क डिफाइंड है हाँ जैसे कॉल ऑप्शन अगर बेचा तो फिर रिस्क अनलिमिटेड लिमिट और अगर पुट ऑप्शन बेचा तो रिस्क उतनी है जितनी जितना, जितना उसका शेयर का प्राइस है शेयर का या इंडेक्स का और अगर पुट ऑप्शन को हाँ। खरीदा या बेचा तो वो तो फिर उतनी रिस्क वो डिफाइंड है वो डिफाइंड बस वो तो सिंपल है वो तो इजी क्लियर हो गया अभी ठीक है समझ में हाँ, आ गया इसका भी वो अमेरिकन और यूरोपियन जैसा कोई फंडा होना चाहिए था नहीं, सिंपल है उसका फंडा क्लियर है हाँ। किसी भी इंडेक्स का या स्टॉक का फ्यूचर आप खरीदते हो तो आज आपकी रिस्क उतनी है जितना कि वो जीरो हो जाए बेचते हो तो रिस्क अनलिमिटेड है जी किसी भी ऑप्शन को खरीदते हो चाहे वो पुट हो या कॉल हो आपके रिस्क उतनी है जितनी आपने प्रीमियम दी अगर आप कॉल ऑप्शन बेचते हो तो रिस्क अनलिमिटेड है पुट ऑप्शन बेचते हो तो आपके रिस्क उतनी है कि उस स्टॉक की इंडेक्स की प्राइस जीरो हो जाए तो ऑप्शन में एक ही जगह अनलिमिटेड रिस्क है कॉल ऑप्शन बेचना फ्यूचर्स में एक ही जगह अनलिमिटेड रिस्क है फ्यूचर बेचना hmm. अभी इजी हो गया यस yes. बाकी सब जगह आपके रिस्क लिमिटेड है ठीक है तो रिस्क की परिभाषा रिस्की ही होती है यहाँ पर हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल लगे नहीं, 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 ये, ये बस।, हाँ बस।, बस ठीक है तो ये थी ऑप्शन को बेचने में हमें क्या करना चाहिए और रिस्क फैक्टर्स कितने वो क्लास आगे चलकर और भी क्लासेस और भी कॉन्सेप्ट जो फ्यूचर में हमने सीखा ऑप्शन में उसके मायने क्या वो समझना बाकी है आप बने रहे हमारे साथ नमस्कार